अंडरब्रिज शुरू करने और इसके उद्घाटन में हो रही देरी से आक्रोशित लोगों ने अंडरब्रिज के आगे लगे बैरिकेड को तोड़कर किया प्रदर्शन। तो वहीं पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने भांजी लाठियां, जिसका आरोप निर्दलीय पार्षद अरुण सिंह ने शहर विधायक पर लगाया। रायपुर नाका स्थित बने अंडर ब्रिज के उद्घाटन व इसके आवागमन शुरू कराए जाने को लेकर गुरुवार को बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने पार्षद अरुण सिंह के नेतृत्व में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही गुस्साए लोगों ने अंडर ब्रिज के आगे लगे बैरिकेड को हटाकर यहां रखी कुर्सियों पर निशाना बनाते हुए उन्हें लाठी से पीट पीट कर तोड़ डाला। तो वहीं मौजूद पुलिस बल ने भीड़ को काबू पाने लाठियां बरसाई। गौरतलब है कि पार्षद अरुण सिंह के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में हुए लाठी चार्ज पर निर्दलीय पार्षद अरुण सिंह ने दुर्ग विधायक अनुवरा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब विधायक के इशारे से हुआ है, और साथ ही मीडिया के समक्ष तंज कसते हुए ये भी कहा कि इस तरह से देरी होने पर अगली बार भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री से इसका उद्घाटन होगा। इस दौरान रायपुर नाका स्थित ब्रिज के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। तो वहीं इस प्रदर्शन को लेकर पार्षद अरुण सिंह ने मीडिया के समक्ष कुछ इस तरह की जानकारी दी। रेलवे अंडरब्रिज लगभग 4 वर्षों से बन रहा है, और 4 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष से तो विधायक जी चाह रहे कि मुख्यमंत्री जी आके इसका उद्घाटन करते हैं। और जैसे कि कांग्रेसी बोला करते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे पर समय नहीं बताएंगे, वैसे ही ये कर रहे हैं कि समय नहीं दे रहे इनको मुख्यमंत्री जी, पर ये कराएंगे उन्हीं से। मुझे तो ये लगता है कि ये इस मुख्यमंत्री से नहीं, फिर 1 साल बाद जो दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे उससे ही उद्घाटन होगा इसका। जी लाठी चार्ज को देखते हुए चार्ज प्रशासन अरुण बोरा जी के बोलने से किया गया है। अरुण बोरा जी चाहते थे कि किसी भी सूरत में ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो भी कुछ भी हो जाए, किसी की जान चली जाए, पर ये नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। एक लाइन में इनको स्टेटमेंट जारी था और उसको इन लोगों ने फॉलो किया। अब आगे किस तरह शासनकाल में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तो कांग्रेस प्रयास करेगी। भाजपा कार्यकाल में इसका शुरुआत हुआ था, और जिस तरीके से यहाँ के विधायक मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं इस गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगली बार भाजपा के ही मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करें। अभी वर्तमान में जो आप लोगों ने अंदर हम भी निरीक्षण कर रहे हैं, आप भी करिए, क्षेत्र की जनता भी आई हुई है। ये सरासर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कहीं कोई काम नहीं बचा हुआ है। पेंटिंग का काम तो आज हुआ है, फिर 3 साल बाद जरूरत पड़ेगा, तो क्या ये बंद करते रहेंगे इसी तरीके से? और आज पूरा शहर जब पूरा घुटनों तक पानी भरा हुआ था, उस समय भी यहाँ पे एक फुट पानी नहीं रुका। आज ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पानी रुक जाएगा करके डर रहे हैं, जान माल का खतरा हो जाएगा। ये लाठी चार्ज कराने के लिए भुगतना पड़ेगा विधायक को, क्षेत्र की जनता जवाना जब्त नहीं कराई तो फिर बोलिएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।